सो आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी मेरे जून फेवरेट्स। आई नो ये वीडियो थोड़ा लेट हो गया, बट बेटर लेट देन नेवर। आई होप यू गाइस एंजॉय वाचिंग दिस वीडियो। इफ यू आर न्यू हियर, मेक श्योर यू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू हैवंट ऑलरेडी, क्लिक ऑन द रेड सब्सक्राइब बटन, क्लिक ऑन द बेल बटन राइट नेक्स्ट टू इट, एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड या विल जस्ट गेट स्टार्टेड। Alright, I'm gonna start with makeup products, but मेरे पास सिर्फ 3 makeup products है। I did not like use a lot of makeup this past month, मतलब new makeup. The first product I have is the Maybelline Colossal Mascara. Now Colossal range Maybelline का बहुत ही famous है, I'm pretty sure you guys have heard about this. I started using this again and I forgot how much I actually liked this. ये मेरा first mascara था, like first ever mascara that I used, and I thought that it's an amazing product back then also, and अभी इसको use करने के बाद I just realized that it is still an amazing product. मैंने आज इसी को लगाया है एंड इट जस्ट मेक्स माई लैशेज सो विस्पी। इसका फॉर्मूला बहुत लाइट है, बिल्कुल भी क्लम्पी नहीं है। इट मेक्स माई लैशेज सुपर लॉन्ग एंड इट गिव्स द नेचुरल लुकिंग वॉल्यूम, सो इट डजंट मेक योर आईलैशेज लुक लाइक स्पाइडरी। बिल्कुल ही विस्पी एंड बहुत ही ज्यादा सुंदर लगते हैं। आई जस्ट फील लाइक ओवरऑल दिस मस्कारा इज वन ऑफ द बेस्ट प्रोडक्ट्स आई हैव यूज्ड फॉर माई आईलैशेज। दिस इज ऑल्सो लाइक चीपर देन देयर पुशअप ड्रामा मस्कारा एंड इट वर्क्स एब्सोल्युटली अमेजिंग। द नेक्स्ट प्रोडक्ट आई हैव फॉर यू इज अ नायका ब्लश डुओ, दिस इज इन द शेड Malibu Barbie. सो इसमें दो ब्लश के शेड्स आते हैं, आज मैंने इसी को यूज़ किया है। आई रियली 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 इन्जॉय दिस प्रोडक्ट एंड मैंने सोचा नहीं था दैट आई विल लाइक इट सो मच। फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पैकेजिंग मुझे अच्छा लगता है, इट्स लाइक मैग्नेटिक। आई थिंक इनिशियली मुझे इसका पैकेजिंग पसंद नहीं था, बट या इट्स लाइक प्रीटी डिसेंट। इट इज़ पिगमेंटेड बट इट्स नॉट लाइक ओवरली पिगमेंटेड, सो आप ब्रश के साथ जब इसको लगाओगे बहुत ही सुंदर एक लुक देता है एंड इट ब्लेंड्स लाइक अ ड्रीम। आई डोंट लाइक ओवरली पिगमेंटेड ब्लशेज जिनको आप ब्लेंड ना कर पाओ, फिर यू नो आपके क्लाउन जैसे चीक्स लगने लगती है, तो उससे मुझे बहुत इरिटेशन होता है। सो आई एम ग्लैड कि इसका फॉर्मूला बहुत अच्छा है। दिस हैज़ अ लिटिल बिट ऑफ आई डोंट नो शिमर, बट honestly it doesn't show up on the skin, so I don't know, like it's not even shimmer, it's like a sheen, but skin pe ye bilkul matte lagta hai, like I don't see chunks of glitter or even a shimmer ka layer ya kuch bhi, mujhe to bilkul hi matte blush hi lagta hai ye, so I don't know kiska फॉर्मूले में ये क्या है थोड़ा शीन जो है। ओवरऑल आई रियली रियली लाइक दिस प्रोडक्ट एंड आई वुड से कि अगर आपको ये सेल पे मिलता है गेट इट, इफ यू डोंट गेट इट इन सेल देन जस्ट वेट फॉर अनदर सेल, क्योंकि मैंने सेल पे लिया था। द नेक्स्ट प्रोडक्ट इज एक्चुअली न्यू हाइलाइटर एंड आई डिड नॉट परचेज दिस, दिस इज अ प्रेजेंट। दिस इज द बाम कॉस्मेटिक्स का हाइलाइटर इन द शेड बॉनी लूमनाइजर, सो दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक, ओ माय गॉड, एंड आई एम सो ग्लैड आई हैव दिस बिकॉज लुक एट दैट, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल गोल्ड हाइलाइटर। एक्चुअली दिस इज गोल्ड बट इट्स नॉट लाइक वो गॉडी गंदा सा गोल्ड नहीं है ये, एंड आई एम वेयरिंग इट टुडे, यू गाइस कैन सी दिस हैज लाइक अ ब्लाइंडिंग ग्लो एंड आई एब्सोल्युटली लव दिस। इसका जो फॉर्मूला है बिल्कुल भी चंकी नहीं है, लाइक नॉट इवन अ लिटिल बिट चंकी। आई थिंक दिस इज फॉर 1400 रुपीज ऑन सेल एंड आई थिंक की दिस इज वन ऑफ दोज हाई एंड हाइलाइटर्स जो थोड़े अफोर्डेबल रेंज में आते हैं एंड इनका फॉर्मूला बहुत अच्छा है। द पास्ट मंथ आई एक्चुअली ट्राइड अ लॉट ऑफ न्यू स्किन केयर एंड आई ट्राइड मामा अर्थ का वाइटामिन सी स्किन केयर। आई थिंक मैंने पहले उनका सिरम एंड टोनर रिव्यू कर रखा है, बट दिस टाइम आई ऑल्सो गॉट टू न्यू प्रोडक्ट्स। सो दे हैव अ फेस वॉश, वाइटामिन सी फेस वॉश, दे हैव अ टोनर, दे ऑल्सो हैव अ फेस मास्क एंड देन दे हैव अ डे क्रीम एंड इसमें SPF है। आई नो आजकल वाइटामिन सी का बहुत क्रेज है बिकॉज इट्स गुड फॉर योर इम्यूनिटी, बट वाइटामिन सी इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर योर स्किन एंड मैं एक्चुअली पर्सनली वाइटामिन सी इन्फ्यूज प्रोडक्ट्स काफी यूज करती हूँ बिकॉज वाइटामिन सी इज ऑल्सो वेरी गुड फॉर हीलिंग योर स्किन एंड योर एक्ने स्कार्स। यू गाइस नो आई स्ट्रगल विद अ लॉट ऑफ एक्ने एंड अभी भी मुझे काफी स्कारिंग है। कमिंग टू द फेस वॉश, दिस इज अ वेरी जेंटल मॉर्निंग फेस वॉश, आई यूज इट एवरी मॉर्निंग। यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स फॉर स्किन इल्यूमिनेशन एंड पहले मुझे लग रहा था कि मेरी स्किन ऑयली ना हो जाए, बट दिस डजंट मेक माई स्किन ऑयली एट ऑल एंड इट क्लेंजेज योर फेस, जो भी अपर लेयर ऑफ ऑयल होता है एंड जो भी आपका पोर्स क्लॉग हो जाता है ओवरनाइट, वो उसको भी क्लीन कर देगा। बट इट इज सुपर सुपर जेंटल, लाइक बिल्कुल भी हार्श नहीं है फेस पे। सो आई फील दैट दिस इज अ वेरी गुड फेस वॉश फॉर द मॉर्निंग एंड दिस इज व्हाट आई हैव बीन यूजिंग ऑफ लेट। द सेकंड इज द विटामिन सी टोनर एंड आई थिंक मैंने इसको पहले भी रिव्यू कर रखा है। दिस इज द पोर टाइटनिंग टोनर, आई लाइक टू यूज इट स्पेशली आफ्टर आई शेव माई फेस। आफ्टर यू शेव योर फेस योर पोर्स
टेंड टू गेट ओपन एंड ऑल्सो आपका जो फेस है वो थोड़ा सेंसिटिव हो जाता है. इट इज ऑल्सो सुपर जेंटल तो मेरी स्किन को इरिटेट नहीं करता. माई फेवरेट प्रोडक्ट फ्रॉम दिस एंटायर रेंज इज डेफिनेटली द विटामिन सी फेस मास्क. नाउ ऑल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स हैव अ लिटिल बिट ऑफ कूलिंग अफेक्ट टू देम एंड दिस इज आई थिंक उपटन के बाद मेरा फेवरेट फेस मास्क फ्रॉम देम बिकॉज इतनी गर्मी होती है आजकल. सो आफ्टर आई पुट इट ना मुझे एक ऐसा कूलिंग सेंसेशन होने लगा. मैंने इसका बैकअप मंगवा लिया है सो यू कैन अंडरस्टैंड कि मुझे कितना पसंद आ गया होगा. आई फील ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए परफेक्ट रहेगा बिकॉज दिस विल हेल्प लाइटन योर स्कार्स. ओवरऑल आई जस्ट रियली लाइक द अफेक्ट इट हैड ऑन माय स्किन एंड इट जस्ट मेड माय स्किन लुक हेल्दियर एंड बेटर. द लास्ट प्रोडक्ट इज देयर फेस क्रीम. दिस इज ऑल्सो विटामिन सी इन्फ्यूज्ड ऑफ कोर्स एंड इट हैज एसपीएफ 20. सो वन थिंग यू हैव टू कीप इन योर माइंड इज दैट व्हेनेवर यू यूज विटामिन सी वाले प्रोडक्ट्स यू हैव टू यूज एन एसपीएफ ऑन टॉप ऑफ दैट. सो आई एम रियली ग्लैड नाउ दैट दे हैव अ विटामिन सी इन्फ्यूज्ड क्रीम जिसमें एसपीएफ है. सो मुझे दो दो चीजें लगानी नहीं पड़ेगी. आई कैन जस्ट यूज दिस एंड आई विल बी गुड टू गो. नाउ यू नीड अ वेरी लिटिल अमाउंट बिकॉज दिस इज सुपर मॉइस्चराइजिंग. आई फील दैट दिस विल वर्क एक्सट्रीमली वेल ऑन ड्राई स्किन. इट गेट्स अब्सॉर्ब वेरी इजिली. इट डजंट मेक माई स्किन स्टिकी और एनीथिंग. सो आई एंजॉयड यूजिंग दिस एंड द बेस्ट थिंग इज दैट आई डोंट हैव टू यूज एन एसपीएफ ऑन टॉप ऑफ अ मॉइस्चराइजर. नाउ अब मैं इसको सीधा लगाती हूँ एंड यू नो आई एम गुड टू गो. तो दो स्टेप एक में ही होगा. आई थिंक इसमें और भी प्रोडक्ट्स है इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो वो मैं बाद में ट्राई करके आपको बताऊंगी. दीज प्रोडक्ट्स हैव नो हार्मफुल केमिकल्स इन देम. मामाअर्थ इज ऑल्सो पीटा सर्टिफाइड क्रुएल्टी फ्री ब्रांड एंड देर ऑल्सो एन इंडियन ब्रांड एंड दैट इज वाई लाइक टू सपोर्ट देम सो मच बिकॉज देर आर होम ग्रोन ब्रांड. आई वुड एनकरेज यू गाइज टू ऑल्सो सपोर्ट द ब्रांड बिकॉज देर इंडियन ब्रांड एंड आजकल जो ट्रेंड है वोकल फॉर लोकल ऑल्सो अप्लाइज फॉर मामाअर्थ. एंड इफ यू गाइज वॉन्ट टू चेक द प्रोडक्ट्स आउट आई विल लीव अ लिंक टू देम इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. यू कैन यूज माई कोड अनिंदिता 2020 फॉर 20% ऑफ ऑन mamaearth.in. दे आर अवेलेबल ऑन नायका एंड अमेजोन बट मेरा कोड सिर्फ मामाअर्थ पे चलता है एंड इट्स नॉट एन अफिलियट कोड. आपको सिर्फ डिस्काउंट मिलेगा, मुझे कोई इसमें कमीशन नहीं मिलेगा. द लास्ट थ्री थिंग्स दैट आई हैव फॉर यू आर लाइफस्टाइल फेवरेट्स एंड द फर्स्ट वन इज दिस बी ब्लंट क्लाइमेट कंट्रोल एंटी फ्रिज लीव इन क्रीम. सो यू गाइस नो मेरा हेयर ट्रीटेड है एक्चुअली. मैंने स्मूथिंग कराई थी लास्ट ईयर बट अब वो स्मूथनिंग का इफेक्ट बहुत हद तक कम हो गया है एंड बिफोर स्मूथनिंग माई हेयर वॉज जस्ट लाइक हैग्रिड हेयर एंड माई हेयर इज अ वेरी बिग हेड एक. लाइक आई एम सो डन विद माई हेयर राइट नाउ. आई वॉन्ट टू गेट अ हेयर कट. सो अभी हेयर कट नहीं पॉसिबल है तो मैंने इसको यूज करना दोबारा से स्टार्ट कर दिया. ये मुझे अदिति ने लास्ट ईयर दिया था एंड दिस हैज बीन अ वेरी बिग बून फॉर माई हेयर. इसका जो कंसिस्टेंसी है बिल्कुल कंडिश्नर जैसा है एंड यू जस्ट हैव टू अप्लाई इट आफ्टर यू वॉश योर हेयर. थोड़ा डैम्प हेयर में मैं इसको लगा देती हूँ बिफोर आई कॉम्ब इट आउट एंड देन मेरे बाल बिल्कुल भी फ्रिजी नहीं लगते एंड इट जस्ट मेक्स माई हेयर लुक वेरी सॉफ्ट. इट गिव्स अ नेचुरल शाइन एंड या इट डजंट मेक इट ऑयली या कुछ भी. टिल द टाइम आई कैन गेट इट ट्रीटेड आई थिंक दिस विल बी कमिंग वेरी वेरी हैंडी फॉर मी. अ वेरी रैंडम फेवरेट दैट आई हैव फॉर यू गाइज इज अ ब्रालेट एंड दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. दिस इज फ्रॉम H&M. हाँ मैंने ढंग से पकड़ा है एंड दिस इज लाइक अ स्पोर्ट्स ब्रा ब्रालेट. आई डोंट नो लाइक आई गॉट इट रैंडमली H&M पे एंड दिस हैज बीन कमिंग सुपर सुपर हैंडी. फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन वेयर इट अंडर एनी काइंड ऑफ टॉप या फिर स्वेटशर्ट या कुछ भी. इट गिव्स मी द परफेक्ट काइंड ऑफ सपोर्ट एंड इट्स नॉट यू नो अनकम्फर्टेबल. आई विश मैंने इसका दो तीन और खरीद लिया होता बिकॉज आई हैव बीन गेटिंग सो मच ऑफ यूज आउट ऑफ दिस एंड आई जस्ट जेन्युइनली रियली रियली लाइक इट. इसका क्वालिटी भी बहुत अच्छा लगा. आई वॉश्ड इट सो मच एंड अभी भी इसका जो शेप वगैरह सब कुछ बहुत अमेजिंग है. द लास्ट फेवरेट आई हैव फॉर यू आर माई मूड स्लीपर्स बाय लाइफ स्टाइल. ये मैंने अपने मिंत्रा के हॉल में दिखाया था एंड दिस इज वॉट इट लुक्स लाइक. सो आई हैव बीन यूजिंग दैम लाइक क्रेजी. दीज आर लिटरली सुपर 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 कम्फर्टेबल. आस पास पहनने के लिए बहुत अच्छा है. ऊपर से ये ब्लैक है सो लाइक इट गोज विद एवरीथिंग दैट आई वेयर एंड जस्ट इन जनरल आई फील दिस वॉज द बेस्ट डिसीजन आउट ऑफ ऑल द मिंत्रा स्टफ दैट आई गॉट. ये बेस्ट चीज थी जो मैंने ले लिया अपने लिए एंड आई बिन गेटिंग अ लॉट ऑफ यूज आउट ऑफ दिस एंड एवरीवेयर आई गो आई जस्ट वेयर दिस. दिस वन आई थिंक वॉज फॉर अराउंड 1000 rupees. सो आई नो थोड़ा एक्सपेंसिव है फॉर जस्ट स्लाइडर्स बट क्वालिटी अच्छा है एंड शू बाइट नहीं हुआ मुझे. सो दैट इज ऑल्सो गुड एंड या दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो. दोज आर ऑल माई फेवरेट्स. लेट मी नो आपके क्या फेवरेट प्रोडक्ट्स है फॉर जून. आई विल लीव अ लिंक टू एवरीथिंग दैट आई यूज्ड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. सो मेक श्योर यू चेक दैट. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब बिफोर यू लीव एंड या आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय.